हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगे सबसे पहले। एक प्रो की तरह PicsArt ऐप को इस्तेमाल करने के लिए टॉप 10 PicsArt फोटो एडिटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। PicsArt Android, iOS एंड Windows PC के लिए उपलब्ध एक पावरफुल फोटो एडिटर है। कोई ऐसा सोच सकता है कि कब इसे यह मोबाइल ऐप के रूप में अवेलेबल है। यह आपको केवल इफेक्ट्स और स्टिकर्स जोड़ने देगा, लेकिन यह मामला नहीं है। आप इस ऐप को उपयोग करके कई अमेजिंग एडिटिंग टेक्निक्स का परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने इन कूल PicsArt टेक्निक्स का पता लगाने का फैसला किया है। चलो देखते हैं कि ट्रिक्स इस टूल ने अपनी स्लीव्स का क्या अचीव किया है। एड मल्टीपल इफेक्ट। PicsArt कूल इफेक्ट के बंच के साथ भरा आता है। आप इफेक्ट जोड़कर अपनी इमेज का रूप पूरा बदल सकते हैं। अपनी इमेज के आगे बढ़ाने के लिए आप कई फिल्टर्स भी लागू कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए पिक्चर PicsArt में इमेज खोलें, इफेक्ट ऑप्शन टैप करें और अपनी पसंद का पहला फिल्टर लागू करें। फिर टॉप बार के दो छोटे स्क्वायर शेप्ड वाले आइकन टैप करें, यह वर्तमान फिल्टर लागू करेगा। फिर एक एक फिल्टर लागू करें। एक बार जब आप अपनी इमेज से खुश हों, तब टॉप राइट पर टिक आइकन टैप करें। प्रोटेक, किसी भी पॉइंट पर यदि आप पिछले फिल्टर पर वापस जाना चाहते हैं तो टॉप पर अंडू बटन टैप करें। सेकंड, ओरिजिनल इमेज देखें। एडिटिंग करते समय आप एडिटेड इमेज को ओरिजिनल इमेज के साथ कंपेयर करना चाहते हैं तो आपको गैलरी में इसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। बस इमेज दबाएं, लॉन्ग टैप पर आपको ओरिजिनल इमेज दिखाई देगी। थर्ड, इफेक्ट इंटेंसिटी बदलें। कई इफेक्ट जोड़ने के अलावा आप प्रत्येक इंडिविजुअल इफेक्ट की इंटेंसिटी भी बदल सकते हैं। चाहे आप अपनी इंटेंसिटी में इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हो या ना चाहते हो, ऐप आपको दोनों ऑफर करता है। ऐसा करने के लिए इफेक्ट अप्लाई करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर फिर से टैप करें, आपको इंटेंसिटी को बदलने का ऑप्शन मिलेंगे। फोर्थ, केवल इमेज के पोर्शन के लिए इफेक्ट लागू। इसके अलावा PicsArt आपको इमेज के एक हिस्से पर इफेक्ट लागू करने देता है। यह एक ड्यूअल इफेक्ट लुक बनाता है। फिल्टर लागू करने के लिए टॉप पर इरेज आइकन टैप करें। इरेज का यूज़ करके उन एरियाज का इफेक्ट इरेज कर सकते हैं जहां आप इफेक्ट लागू नहीं करना चाहते। फिफ्थ, बैकग्राउंड ब्लर बनाओ। जबकि कई ऐप्स आपको अपने इमेजेस की बैकग्राउंड को ब्लर बनाने देते हैं, PicsArt एक्स्ट्रा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। आप नॉर्मल ब्लर, स्मार्ट ब्लर, मोशन ब्लर, रेडियल ब्लर एक्सेट्रा का उपयोग कर सकते हैं। यह एक ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट मोड के साथ आता है जो आपको पोर्ट्रेट इमेजेस पर ब्लर इफेक्ट लागू करेगा। किसी इमेज के किसी हिस्से में ब्लर लागू करने के लिए इफेक्ट पोर्शन टैप करें और ब्लर मोड पर जाएं। ब्लर को सेलेक्ट करके ब्लर इफेक्ट पूरी इमेज पर लागू किया जाएगा। आप अनावश्यक एरिया से ब्लर को हटाने के लिए टॉप पर इरेज आइकन टैप करें और उन एरिया से ब्लर को मिटाना शुरू कर दें जहां इसकी आवश्यकता नहीं है। अपने पोर्ट्रेट पर ब्लर लागू करने के लिए पोर्ट्रेट आइकन टैप करें। ऐड कलरफुल बॉर्डर इफेक्ट। चारों ओर खेलने के साथ आप एक इमेज की बॉर्डर पर एक अच्छा कलरफुल इफेक्ट को ऐड कर सकते हैं। PicsArt में इमेज खोलने और इफेक्ट पोर्शन टैप करें, फिर एफेक्ट्स की तरह वेडनेट टैप करें। विडनेट इफेक्ट पोर्शन को ओपन करके लिए आप विडनेट को टैप करें। फिर बॉर्डर कलर चुनने के लिए कलर बॉक्स टैप करें। आप बॉर्डर के साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। सेवेंथ, एडिट स्टिकर्स। PicsArt फोटो पर रखने के लिए कई स्टिकर्स प्रोवाइड करता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग टेस्ट होता है और स्टिकर्स का कलर या इफेक्ट हर किसी लिए अपील नहीं कर सकते हैं। इसी स्थिति से बचने के लिए PicsArt आपको स्टिकर्स को भी एडिट करने देता है। ऐसा करने के लिए बस अपनी फोटो में एक स्टिकर जोड़ें और फिर आपको इसे एडिट करने के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे। आप टॉप पर इरेजर आइकन टैप करके स्टिकर्स का एक पोर्शन हटा भी सकते हैं। एट, क्रिएट शेप बेस्ड स्टिकर्स।
PicsArt में कटआउट फीचर्स की सहायता से आप किसी भी ऑब्जेक्ट या पोर्ट्रेट के स्टिकर्स बना सकते हैं। लेकिन क्या होगा यदि आप हार्ट शेप स्टिकर्स या स्क्वायर शेप स्टिकर्स को बनाना चाहते हैं? आप ऐसा भी कर सकते हैं। इमेज खोलें और टूल्स ऑप्शन पर टैप करें, फिर टैप शेप क्रॉप करें, अपना डिजायर्ड साइज चुनें और टॉप राइट कॉर्नर पर अगला आइकन टैप करें। इसके बाद आप अपनी विड्थ बदलकर डिफरेंट कलर्स को लागू करके स्टिकर्स की लिमिट बदल सकते हैं। एक बार जब आप अपने स्टिकर से सेटिस्फाइड हो जाए तो सेव बटन टैप करें। स्टिकर्स के नीचे सेव किया जाएगा स्टिकर मेरा स्टिकर, फिर आप स्टिकर बटन को टैप करके इसे किसी भी इमेज के साथ जोड़ सकते हैं। एक इमेज का बैकग्राउंड बदलने के लिए 9th ऑप्शन है हमारा, इमेज का बैकग्राउंड बदलें। कभी कभी किसी इमेज की बैकग्राउंड हमारे पसंद के अनुसार नहीं होती। हमें आश्चर्य है कि क्या हम इसे बदल सकते हैं। PicsArt के लिए धन्यवाद, आपको ऐसा करने में बहुत आसानी होगी। बैकग्राउंड को बदलने के लिए आपको सबसे पहले उस इमेज के हिस्से को निकालने की आवश्यकता है जिसका बैकग्राउंड आप बदलना चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए टूल्स ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर फ्री क्रॉप ऑप्शन का प्रयोग करें। निकाली गई इमेज माई स्टिकर्स सेक्शन में सेव हो जाएगी। फिर से शुरू करके और बैकग्राउंड को खोलें जिसे आप इस छवि के लिए यूज करना चाहते हैं। उसके बाद स्टिकर्स ऑप्शन के बाद माई स्टिकर्स टैप करें, ऊपर बनाए गए स्टिकर्स को सेलेक्ट करें, ब्लेंड मोड एंड अदर एडिटिंग ऑप्शन का यूज करके इमेज को न्यू बैकग्राउंड पर रखें। 10th एंड लास्ट, एड वाइट बॉर्डर टू फोटो। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स को देखा होगा जो बाकी से अलग दिखते हैं। ये प्रोफाइल वास्तव में इमेजेस का एक वाइट बॉर्डर जोड़ती हैं जो उनकी प्रोफाइल को क्लीन दिखाती है। PicsArt की सहायता से आप अपने इंस्टाग्राम फोटोज में भी वाइट बॉर्डर जोड़ सकते हैं जो ना केवल वाइट बॉर्डर बल्कि किसी भी कलर की बॉर्डर हो सकती है। PicsArt में इमेज खोलें और फिर स्क्वायर फिट ऑप्शन टैप करें, फिर बॉर्डर को बढ़ाने या घटाने के लिए फोटो के अंदर या बाहर पिंच कर लें। एक बार हो जाने पर सेव बटन टैप करें। प्रो टिप, आप बॉर्डर ऑप्शन का यूज करके एक प्रॉपर वाइट बॉर्डर भी जोड़ सकते हैं। Here is a good looking photo. ये कुछ PicsArt photo editing tips and tricks थी जिनका प्रयोग करके आप अपनी photos को enhance कर सकते हैं और उन्हें और खूबसूरत बना सकते हैं। आगे और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।